पुलिस के बुढ़िया के घर जाने के बाद राजेश ने अपनी उंगली से रिंग निकालना चाहा, लेकिन उसके रिंग फिंगर से रिंग गायब थी। राजेश ने बुढ़िया की तरफ सवाल भरे नजरों से देखा। राजेश, ओए बुढ़िया, ये सब क्या है? मेरी उंगली में जो अंगूठी थी वो कहाँ गई? बुढ़िया, तू क्या बार बार बुढ़िया बुढ़िया बोली जा रही है? अब मैं कोई बुढ़िया नहीं, तेरी माँ हूँ, समझी तू? राजेश, दिमाग खराब है क्या तेरा? मैं इस शहर का डॉन हूँ, ये शरीर फिर से पहले जैसा कर दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी बुढ़िया? बुढ़िया, तू बहुत ही ज्यादा बदतमीज है लड़की। अब से तू अगले एक साल तक लड़की बनकर अपनी लाइफ जी, और मेरे सामने दोबारा बदतमीजी से बात की तूने तो तुझे मालूम हो जाएगा कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। आज से तू इसी घर में रहेगी और मेरी सेवा करेगी, समझी? ये अंगूठी मेरे इशारों पर नाचती है और मैं एक डायन हूँ, तू अब मेरी गुलाम बन चुकी है। तेरे लिए यही अच्छा होगा कि आज के बाद तू मेरी इज्जत कर, मेरी सेवा कर, इसके बदले मैं तेरी जान बख्श दूंगी। राजेश बुढ़िया की बातें सुनकर उसके कदमों में गिर पड़ा और रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन बुढ़िया अभी भी मुस्कुरा रही थी। राजेश का जिस्म लड़की के जिस्म में तब्दील हो चुका था और राजेश अपने लड़की वाले शरीर में जीना नहीं चाहता था। राजेश ने बुढ़िया से हजारों मिन्नतें की, लेकिन बुढ़िया नहीं मानी और उसे चुपचाप सो जाने को कहा। बुढ़िया की बात सुनकर राजेश निस्तर में खुद को सिकोड़ कर सो गया। राजेश पुलिस से जान छुड़ा चुका था, लेकिन वो रात भर यही सोचता रहा कि इस बुढ़िया से अपनी जान कैसे छुड़ाए और फिर से मर्द कैसे बने। उस डायन ने अपने जादू से 30 साल के राजेश को 16 साल की लड़की बना दिया था। राजेश का दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसने सोचा क्यों ना इस डायन को जान से मार दिया जाए तो डायन के साथ उसका जादू भी खत्म हो जाएगा और फिर से मर्द बन जाएगा। लेकिन एक डायन को मारना आसान नहीं होता, ये बात राजेश को अच्छे से मालूम था। जैसे तैसे रात कटी, राजेश रात भर सो नहीं पाया और सुबह के 4 बजे उसे नींद आई। अभी राजेश ढंग से 2 घंटे सोया भी नहीं था कि उस बुढ़िया ने लात मारकर राजेश को जगाया। बुढ़िया, ए लड़की कितना सोती है, जल्दी से उठ, मुझे खाना चाहिए, मुझे जल्दी से खाना पका कर दे, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगी। राजेश, इतनी सुबह कौन खाना खाता है? बुढ़िया बुढ़िया, बदतमीज लड़की, जुबान संभाल कर मुझसे बात किया कर, नहीं तो तुझे गधी बना दूंगी और तुझे एक गधे के साथ रात भर किसी धोबी के तबेले में छोड़ दूंगी। बुढ़िया डायन की बात सुनते ही राजेश डर से थरथराने लगा, बुढ़िया के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और अपनी आजादी के लिए बुढ़िया को मनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन बुढ़िया नहीं मानी और उसने राजेश को खाना पकाने को कहा। राजेश ने कहा कि उसे खाना पकाना नहीं आता, तो बुढ़िया ने उसे पैसे दिए और मार्केट से खाना लाने को कहा। राजेश उसी रूप में पास की मार्केट से खाना ले आया और बुढ़िया ने भरपेट खाना खाया और बचा हुआ थोड़ा खाना राजेश को भी खाने को दिया। राजेश ने चुपचाप खाना खाया और बुढ़िया ने उससे घर की साफ सफाई करवाई, बर्तन धुलवाए, कपड़े धुलवाए और उसे एक एक चीज समझाती गई। राजेश समझ चुका था कि उसे बुढ़िया से बड़े ही तमीज से पेश आना होगा और बुढ़िया की कमजोरी का पता लगाना होगा। बुढ़िया ने राजेश का नया नाम रखा राजेश्वरी और उसे उसी नाम से बुलाने लगी। एक दिन पहले जब तक राजेश एक मर्द था और आज एक 16 साल की लड़की बन चुका था और राजेश्वरी नाम के एक नए नाम के साथ जीने को मजबूर था। राजेश ने पता किया कि एक डायन की कमजोरी क्या होती है, तो उसे पता चला कि डायन की चोटी में उसकी सारी शक्तियाँ होती हैं। सिर्फ एक बार डायन की चोटी को काट दो फिर वो आम इंसान जैसी हो जाती है। और राजेश को यह भी पता चला कि अगर कोई 16 साल की लड़की उस चोटी को अपनी चोटी में सटा ले तो वो चोटी उसके चोटी में सिमट जाती है और उस लड़की के अंदर डायन की सभी शक्तियाँ समा जाती हैं। उस बुढ़िया की चोटी बहुत ही घनी और खूबसूरत थी। जब रात को बुढ़िया सो रही थी तब राजेश ने उसकी चोटी काट दी और बुढ़िया दर्द से तड़प उठी। राजेश ने उस चोटी को अपनी चोटी में सटा लिया और उसके साथ ही उसे असीमित शक्तियों का उसके शरीर में समाने का अनुभव हुआ। बुढ़िया, यह क्या किया तूने राजेश्वरी? राजेश्वरी, अब से तेरी शक्तियाँ मेरी हो गई हैं। बुढ़िया, तू मुझे गधी बनाकर धोबी के तबेले में रात भर छोड़ने की धमकी दे रही थी ना, ये लो अब मैं तुझे गधी बना देती हूँ। इससे पहले कि बुढ़िया राजेश्वरी से कुछ कहती, राजेश्वरी ने बुढ़िया को अपने जादू से गधी बना दिया। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइए और इस स्टोरी का अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।